सेकंड लेसन जो आपका रहेगा, सेकंड लेसन में डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप और फिर नीचे से अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जो भी लेसन से आप रीड कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड लेसन, इसमें आपको इस उंगली पे बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाना। ये उंगली पे अगर आप ताकत लगाएंगे तो आपकी उंगली ऐसे हो जाएगी ये, और ये टाइट हो जाएगा हाथ। ये बिल्कुल टच करके रखना, ढीला रखना है हाथ। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। सेम इसको भी आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको बगैर देखे ये 5 times कंटिन्यू आपसे बजे। उसके बाद आएगा थर्ड लेसन जो है, जिसमें आपका 4 times स्ट्रोक्स होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर मैंने यहाँ पे लिया डाउन अप 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 डाउन अप। तो नीचे से जो रहेगा वो अप डाउन 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 अप। ये आपके ये मेन 3 lessons जो है राइट हैंड के हो गए। अब अभी आपको क्या करना है, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो आप ये लेसन एक ही दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और इसको आप 3 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं।